और उत्तराखंड में होने वाली इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। बता दें कि देहरादून में आयोजित होने वाली 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में इस इन्वेस्टर समिट को नाकामी छुपाने वाला समिट बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने चहेतों को उत्तराखंड की जमीन बेचनी चाहती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने करण माहरा के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने शासनकाल में कुछ भी नहीं कर पाई है और जिस गति से आज काम हो रहा है उसमें भी बयानबाजी करके कांग्रेस अपनी नाकामी नहीं बल्कि अपने आप को दोषी साबित कर रही है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हम सबके लिए सौभाग्य की बात, उत्तराखंड के अंदर बड़ी संख्या में जो उद्यमी आ रहे हैं उनका स्वागत करने का अवसर भी हमको प्राप्त हो रहा है और हम उनके स्वागत के लिए भी पलके बिछाए हुए हैं। सारे प्रकार के जो उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं, यहाँ के सांस्कृतिक परिधान हैं, उन सब के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम लगभग 8,000 की संख्या का भव्यतम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का उद्बोधन होगा और हमें खुशी है कि समापन पे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी उस कार्यक्रम में रहने वाले और अनेकों राज्यों के जो इन्वेस्टर हैं वो उसमें रहने वाले हैं। विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो ये हम सबके लिए, देहरादून भी हमने बहुत अच्छी तरह सजाया हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक